हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके क्यों आज मार्केट में गिरावट हुई है, इतनी अच्छी गिरावट मार्केट में क्यों हुई है, जो कि मार्केट के लिए ज़रूरी भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट लगभग 45% की रिकवरी कर चुका था। जब COVID-19 में 23rd के अबाउट मार्च में 23rd मार्च को जब मार्केट नीचे गिरा था, तो मार्केट ने अच्छी खासी 45% की रिकवरी भी कर ली थी। बट वो और हमारा पी रेशो जो होता है, वो जैसे कि मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि 30 से ऊपर होना मतलब खतरे की घंटी, तो 30 के ऊपर अभी चल रहा था। ओके, इसके आसपास आज भी चल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इसलिए मार्केट को गिरना भी ज़रूरी है, ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिल सके इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अच्छे अच्छे शेयर्स अब खरीद सके ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि क्यों गिरावट हुई। इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी में आज लगभग 181 पॉइंट की गिरावट हुई है। ओके, इसके अलावा सेंसेक्स में जो गिरावट हुई है 1.77%, मतलब 667 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गिरावट के पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे की वजह सिंपल, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब जो बैंकों में गिरावट हुई है, इसकी वजह से ये सेंसेक्स में आज गिरावट देखी गई है। जैसे कि यहाँ निफ्टी बैंक आप देख रहे हैं कि 567 पॉइंट्स की यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आज दर्ज हुई है। इसके पीछे भी रीज़न है, बट रीज़न बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ बैंक्स है। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे बैंक्स, मोस्टली सारे बैंक्स आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, सारे में आपको बिकवाली दिखाई दे रही है। ओके, सब आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब केवल देखिए सर गवर्नमेंट बैंक को छोड़ के। तो गवर्नमेंट बैंक के पीछे गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उनको लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम आने से रही। ओके, इस वजह से यहाँ पर आपको ये हरे निशान में दिख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट बैंक है, सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसे कि पता है, निफ्टी 50 के में बैंक का काफ़ी बड़ा रोल है। एक्सिस बैंक हो गया जैसे कि, इसके अलावा HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, IndusInd बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सब निफ्टी 50 का पार्ट है। ओके, इसके अलावा बजाज फाइनेंस हो गया। ओके, फाइनेंस की कंपनियों पर भी इस तरीके का दबाव आज देखा गया है, इस तरीके की गिरावट देखी गई है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह दो तीन वजह है। पहली वजह है कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और RBI गवर्नर के बीच में मीटिंग शुरू हुई है, जिसका रिजल्ट 6th of अगस्त को आएगा। ओके, उस रिजल्ट में पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके के रेट्स यहाँ पर डिसाइड किए। इसके अलावा आपको पता ही है कि अगस्त में मोरेटोरियम अगस्त जो दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो शायद माइट बी एक्सटेंड किया जा सकता है टिल दिसंबर। ओके, और वो अगर दिसंबर तक एक्सटेंड हुआ, तो आपको पता है कि बैंक में कितनी गिरावट आएगी, क्योंकि बैंक इस वजह से काफ़ी बुरी स्थिति में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ दिन पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी बताया था कि 5 बैंक ऐसे बैंक हैं जो कि फेल हो सकते हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया इन बैंक का, क्योंकि नाम बताना जायज़ भी नहीं था, बट हाँ उन्होंने बताया कि 5 बैंक्स फेल हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर निफ्टी 50 में आज गिरावट देखी जा सकती है साफ। ओके, और बैंक में शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा सकती है, और ये इसका सीधा सीधा असर आपको बैंकों पे पड़ा है। इसके अलावा मोरेटोरियम पीरियड बढ़ सकता है, रेपो रेट हमारे यहाँ पर शायद उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वो ही चलेगा। और इसके अलावा जो हमारे जो अगस्त है, अगस्त एक क्रूशियल मंथ होने वाला है, यहाँ पर आपको लोग शेयर को बेचते हुए दिखाई देंगे। ओके, कुछ एक्सपर्ट ने बताया भी है कि अगस्त काफ़ी ज़्यादा आपको बियरिश बुलिश दिखाई देगा, कि आपको शेयर बेचते हुए दिखाई देंगे लोग, और अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी पेश होने वाले हैं, तो इस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। बट एक्सपर्ट ने बताया कि अगस्त ख़त्म होते साथ सितंबर में दोबारा इस तरीके की आपको मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई साफ दिखाई देगा।
इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो ये हमारे जो कोविड कोविड कंटिन्यूसली, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोविड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लगभग 55,000% अभी सेकंड, मतलब कल के दिन ही यहाँ पर मिले हैं केसेस। और इंडिया में लगभग, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 1.8 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड भी है, रिकवर भी हुए हैं। बट हमारे इंडियंस का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ओके, मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ द रीज़न कि हमें इससे ज़्यादा सफ़र नहीं होना पड़ रहा है। बट केसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट कुड बी अ चिंता की बात हो सकती है। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अभी अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है, ओके। तो ये सारी की सारी वजह है जो शेयर मार्केट में इस तरीके के हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो आज आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, और एक अच्छे शेयर्स में, अच्छे फंडामेंटली शेयर्स में आपको अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर्स खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को रखिए, ताकि अगर बाई चांस कोई गिरावट भी होती है इस तरीके की आगे चल के भी, तो आपके उसका रिकवरी का रेट भी उतना ही तेज होता है और वो शेयर उसी तरीके से, उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो अच्छे अच्छे बैंक, और अभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बैंक ये शेयर्स गिरते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, और आगे चल के वो शेयर जैसे ही रिकवर करेंगे, ओके, आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा रिटर्न एक आपके आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए। और हमारी जो पिछली वीडियोज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पोर्टफोलियो भी बताया है, SCL से रिलेटेड कुछ डील भी बताई है, तो आप जाके देखिए, ओके, उसमें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी अपने दोस्तों के साथ। बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, थैंक यू सो मच।